Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Jesus, I praise your name. Lord Jesus, I praise your name. Lord Jesus, I praise your holy name. Hallelujah. Sabko jai Yeshu Masih ki. Hallelujah. Dhanyawad ho. Hallelujah. Dhanyawad Khudavan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. Thank you, King of Glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Pastor ji, tujhi dua karo. Aajo idhar. Hallelujah. Karo prarthna. ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਇਓ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਫਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਠਾਓ ਲੋਰਡ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਹੋਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਠਾਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਮਰਥੀ ਹੈ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇਸ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਦਾ ਬਚਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਬਰਕਤ ਦਿਓ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ थैंक यू जीसस हालेलुया आज आज रोश हशाना है योम तिरुआ तुरियों का पर्व है हालेलुया सनसेट होते शुरू हो गया और हम लोग परमेश्वर के सन्मुख उपवास में बैठे हैं वी स्टार्टेड यस्टरडे इवनिंग ऑलरेडी एंड वी विल बी फास्टिंग फॉर द नेक्स्ट टू मोर डेज एंड प्रेइंग एंड सीकिंग द लॉर्ड योम तिरुआ तुरियों के पर्व में तुरियां फूकी जाती हैं और ये पर्व शुरू होता है जब पहला चांद दिखाई देता है आसमान में अगर आप देखेंगे आपको बहुत बारीक छोटा सा चांद दिखाई देगा और तुरियों के पर्व के विषय में ये खास बात है कि तुरियों का पर्व कब शुरू हो इस घड़ी को कोई नहीं जानता क्योंकि तुरियों का पर्व शुरू होता है मून दिखाई देने से यही बात यीशु मसीह ने कही कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता क्योंकि वो घड़ी सूर्य चांद के आसमान में दिखाई देने से ही प्रकट होती है हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड जीसस तो
बहुत सारे विद्वान मानते हैं, प्रभु का वचन जानने वाले, कि कलीसिया की आमद शायद तुरियों के, कलीसिया का उठाए जाना शायद तुरियों के पर्व पे ही होगा, क्योंकि वचन कहता है आखिरी तुरही फूकते ही प्रधान दूत ललकार के साथ, प्रधान दूत की ललकार के साथ प्रभु बादलों पे उतरेगा। हालेलुया। और मुर्दे विनाशी दशा में जी उठेंगे और हम जो जीवित होंगे प्रभु से मिलने के लिए हवा में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा था, सुबह छोटा सा मैंने संदेश दिया कि हमें वी हैव टू बिकम फ्रेंड्स विद गॉड, परमेश्वर के मित्र बनना है। और मैंने आपको बताया आप कैसे एक्विंटेंस में, परमेश्वर के संग गहरे रिश्ते में कैसे जा सकते हैं। तो हम अय्यूब की पुस्तक में से सीख रहे थे, अय्यूब की पुस्तक के 22nd चैप्टर की 21st वर्स से मैंने सुबह आपको बताया, बी एट पीस विद गॉड। हालेलुया। आपके और परमेश्वर के बीच में जो भी कुछ है रिमूव कीजिए उसे, सीक हिज फॉरगिवनेस, हम्बल योर सेल्फ एंड गेट रिड ऑफ एवरी हिडन सिन, एवरी हिडन थिंग इन योर लाइफ, गेट रिड ऑफ दैट। हालेलुया। और मेंटेन योर पीस विद गॉड, नॉट पीस ऑफ गॉड बट पीस विद गॉड। बाइबल में दो टर्म्स हैं, एक है पीस ऑफ गॉड, दूसरा है पीस विद गॉड। दूसरी मैंने आपको बताई कि उसके मुंह के लॉ को, परमेश्वर के मुंह में से जो कलाम निकलता है रेमा, रिसीव दैट, नॉट ओनली लोगोस बट रेमा, लिविंग वर्ड। और परमेश्वर के कलाम को दिल में बैठा के रख, दिल की गहराइयों में। और फिर हमने पढ़ा अय्यूब की पुस्तक में से रिटर्न टू गॉड, तशुबा, टर्न बैक टू हिम। और फिर हमने पांचवी बात सीखी, रिमूव एवरी इनिक्विटी, डीप सिन जो है, जो आपकी नेचर के अंदर डीप सिन है, आवान, उसे निकाल के फेंक एंड बिकम फ्रेंड विद द ऑलमाइटी। हालेलुया। उसके संग तेरी मित्रता हो, गहरा संबंध हो। और इसकी क्या ब्लेसिंग है गहरे संबंध की। अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय के अंदर ही ये 15 ब्लेसिंग्स हैं जो मैं जल्दी से आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। अय्यूब की पुस्तक 21 अध्याय 22 अध्याय में 22nd चैप्टर की 21st वर्स से ये 15 ब्लेसिंग आपको मिलेंगी। फर्स्ट ब्लेसिंग क्या है, इफ यू डू दीज थिंग्स, 5 थिंग्स जो मैंने आपको बताई, परमेश्वर के संग पीस कर लीजिए, शालोम ऑफ गॉड, नॉट शालोम ऑफ गॉड बट शालोम विद गॉड, फिर उसके मुंह में से निकलने वाला जिंदा कलाम कैप्चर कीजिए, उसे दिल में स्टोर अप कीजिए, तशुबा कीजिए उसकी और मुड़िए, और अंदर गहरे पापों को निकाल फेंकिए। तो क्या ब्लेसिंग मिलेंगी, अय्यूब की पुस्तक 22 अध्याय में लिखा है, नंबर 1, गॉड शैल कम इन टू यू, गॉड विल कम टू मीट यू। अगर आपका जीवन होगा ना ऐसा, प्रभु आपसे मिलने आएगा। आपको मालूम आदम सबसे पहले प्रभु को मिलने नहीं गया, प्रभु आदम से मिलने आता था। इट वॉज नॉट मैन हु वेंट टू सी गॉड, इट वॉज गॉड हु यूज टू कम टू मैन। हालेलुया। गॉड विल हिमसेल्फ कम टू सीक यू, ही विल कम टू विजिट यू। एलिफज स्पीक्स टू जोब एंड ही सेज, इफ यू एस्टैब्लिश शालोम विद गॉड, देन देयर इज नथिंग हिंडरिंग दैट शालोम ऑफ गॉड इन योर रिलेशनशिप विद हिम।
And if you capture the word that come out of his mouth, not logos, many people are acquainted with the letters written in the Bible in black and red ink. And all the knowledge is here. They can quote scriptures from Genesis to Revelation, but it doesn't produce anything. We are not supposed to be mentally assented Christians. The word says, capture the word out of his mouth. Uske muh se nikalne wala. Aur maine aapko subah batayi thi example ki jab Khudavand Yeshu Masih ki Khudavand Yeshu Masih Judean desert mein 40 din 40 raat upvas rakhe to tempter aaya, ajmane wala aaya Yeshu Masih ko ajmane. Aur aapko malum wo kya karta hai? वो परमेश्वर के कलाम के आगे इफ लगाता है. मैं आपको संदेश दूंगा एक आने वाले समय में. देयर आर नो इफ्स इन द प्लान ऑफ द लॉर्ड. परमेश्वर के राज्य में इफ है ही नहीं. और मैं बाइबल से आपको तीन यूनिक इफ के विषय में बताऊंगा इन द कमिंग टाइम. तो शैतान भी स्क्रिप्चर कोट करता है. आपको मालूम शैतान बहुत कनिंगली परमेश्वर के वर्ड को यूज़ करता है, ट्विस्ट करता है और कलाम के आगे डाउट और अनबिलीफ क्रिएट करता है. जब शैतान यीशु मसीह को कहता है इट इज़ रिटन, जीसस सेज बैक टू हिम इट इज़ आल्सो रिटन, तो दोनों तरफ से ऐसे वार चल रहा है. शैतान कलाम यूज़ कर रहा है, यीशु मसीह भी कलाम यूज़ कर रहा है. शैतान कलाम यूज़ कर रहा है, यीशु मसीह भी. आपको मालूम ट्वाइस, दो बार शैतान ने बोला इट इज़ रिटन, दो बार यीशु मसीह ने बोला इट इज़ रिटन. लेकिन तीसरी बार जब शैतान ने बोला तो आपको मालूम यीशु मसीह ने ये नहीं बोला इट इज़ रिटन. मत्ती रची सुसमाचार पढ़ेंगे, लूका रची सुसमाचार चार अध्याय पढ़ेंगे, जीसस डिड नॉट से थर्ड टाइम इट इज़ रिटन. आपको मालूम इट इज़ रिटन क्या है? इट इज़ रिटन है लोगोस, ये लिखित कलाम. From Genesis to Revelation, from Revelation to Genesis, you may get the knowledge, the information of the black letters and the red letters, but you may never capture the spirit. The letter only kills, but the spirit gives life. तो third time आपको मालूम Jesus ने क्या कहा? Jesus ने कहा, Satan, get thee behind me, for it is said. ओरिजिनल ट्रांसलेशन में आप ग्रीक और अरामिक वर्जन में देखेंगे तो ओरिजिनल टेक्स्ट रेंडरिंग है इट इज़ बीइंग सेड, ये बोला जा रहा है. क्या? दाउ शैल्ट वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड अलोन एंड दाउ शैल्ट बाउ बिफोर नन एल्स. हालेलुया. तो यीशु मसीह लोगोस से रेमा में आया. मैंने आपको सुबह ये भी बताया कि लोगोस है पोटेंशियल एनर्जी और रेमा है काइनेटिक एनर्जी. हालेलुया. तो जब आपके जीवन में रेमा होगा, जब आप होगा और जब इनिक्विटी डीप सीटेड सिन इज डेल्ट विद, और उस समय ये 15 ब्लेसिंग मिलेंगी आपको. गॉड विल कम इन टू यू. अय्यूब 22 का 21 पढ़िए. ही विल कम, ही विल विजिट हिमसेल्फ. कुछ ऐसे प्रभु के लोग होते हैं जिनको प्रभु ढूंढता है. आपको मालूम है कौन लोग हैं? जो आत्मा में और सच्चाई में उसकी परस्तिश करते हैं. हालेलुया. और दूसरी ब्लेसिंग क्या है? ही विल बिल्ड यू अप, वो आपको बनाएगा. 22 वचन में लिखा है. हालेलुया. यू विल बी ब्लेस्ड विद गोल्ड, आपको धन संपत्ति से बरकत देगा. 24 वचन में लिखा है, अय्यूब 22 के 24 में, ही विल ब्लेस यू विद ऑल मटीरियल ब्लेसिंग्स, ही विल ब्लेस यू विद गोल्ड. और चौथी ब्लेसिंग क्या है? यू विल डिफेंड, गॉड विल डिफेंड यू, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा, हर समय डिफेंड करेगा, रक्षा करेगा. और हेवनली कोर्ट में जब एक्यूजर आपके खिलाफ खड़ा होगा दोष लगाने, गॉड हिमसेल्फ विल डिफेंड यू. वर्स नंबर 25, जोब 22:25, यू विल बी ब्लेस्ड विद सिल्वर, सोने से भी बरकत देगा परमेश्वर, चांदी से भी बरकत देगा. छठी बरकत क्या है? यू विल हैव जॉय इन द ऑलमाइटी, परमेश्वर
सर्वशक्तिमान में आप आनंद से भरे रहोगे. यू विल हैव ए क्लियर कॉन्शियंस एंड बी एबल टू लिफ्ट अप योर फेस टू गॉड. हालेलुया. आपका विवेक शुद्ध होगा और आप ऐसे खड़े होकर परमेश्वर के संग बातचीत करने पाएंगे, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसकी कृपा, अपनी खूबी के कारण नहीं, उसके अनुग्रह के द्वारा. अक्सर मसीह लोग गाते हैं ना, शर्म से सर झुक जाते हैं, स्वर्गीय पिता हम आते हैं. शर्म से सर नहीं झुकेगा आपका, बल्कि आप ऐसे खड़े होंगे परमेश्वर के सन्मुख, यीशु मसीह की दी हुई धार्मिकता के कारण. जब आपका संबंध सही है उसके साथ, जब उसका जीवित कलाम आपके अंदर, आपने दिल में स्टोर किया है और आपके मुंह में, आपने तिशुबा किया है और आप उसके संग एक हैं. हालेलुया. और प्रभु क्या करेगा? प्रभु यहाँ पे वचन में लिखा है, आठवीं जो ब्लेसिंग है वो क्या है, 27 वचन में, अय्यूब 22:27 में, यू विल बी एबल टू प्रे. आप प्रार्थना करने पाओगे. प्रार्थना एक नेचुरल फ्लो होगा आपकी लाइफ का. यू नो, लाइक यू आर ब्रीदिंग, यू डोंट एक्सर्ट टू ब्रीद, योर हार्ट इज पल्सेटिंग 70 to 80 टाइम्स इन अ मिनट. यू डू नॉट डू एनीथिंग टू मेक योर हार्ट बीट. यू इनहेल एंड एक्सेल ऑक्सीजन. इट इज सो इंट्यूटिवली हैपनिंग. एवरी ऑर्गन इन योर बॉडी इज सो रेडली फंक्शनिंग. यू डोंट डू एनीथिंग. इट इज जस्ट हैपनिंग बाय द सॉवरेन सुपरनेचुरल माइटी हैंड ऑफ द ऑलमाइटी. इन द सिमिलर वे प्रेयर विल बिकम सच अ नॉर्मल रूटीन ऑफ योर लाइफ. You will be praying. You won't have to exert, but it will become the very norm of your life. You will be able to pray when you have peace of God, when you have peace with God. Hallelujah. And 10th blessing, you will be able to pay your vows to God. आप परमेश्वर के सन्मुख जो प्रतिज्ञाएं करते हो, सुख ना सुखते हो. बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ बहुत से वायदे करते हैं. मैंने देखा कई बार मसीह लोग जब बीमार होते हैं, आईसीयू में होते हैं और बहुत सारी मशीन्स उनकी बॉडी को लगी होती हैं और डॉक्टर्स के चेहरे पे निराशा होती है, तब वो प्रभु के दासों को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं. धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह होता है परमेश्वर का. और जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है, वो व्यक्ति प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से 10,000 वायदे करता है. इतने वायदे करता है कि एंजल्स लिख भी नहीं पाते उसके उसके करारनामे को. इतनी फास्ट फास्ट वादे करते हैं. और जैसे बिस्तर, बीमारी का बिस्तर को अलविदा कहा, अपने पुराने जीवन में आए, सब कुछ भूल जाते हैं. परमेश्वर के आगे अगर वाव बनाई है, सुखना की है, तो उसे अवश्य पूरा करना. हालेलुया. तो क्या लिखा है, तब आप आपको मालूम, जब तक आप पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, आप परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसा भी नहीं दे पाएंगे. शैतान करने नहीं देगा आपको ऐसा. आप टाइद नहीं दे पाएंगे, आप ऑफरिंग नहीं दे पाएंगे. परमेश्वर के किंगडम में आप फाइनेंशियल पार्टनर बन ही नहीं पाएंगे जब तक प्रभु की करुणा ना हो आपके ऊपर. हालेलुया. आपको मालूम, जब परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि होती है, वो आपको जेनरस हार्ट देता है. वो कृपा करता है कि आप बो पाएं जेनरसली. तो ये सोइंग जो है, एक राइट रिलेशनशिप से होनी चाहिए. परमेश्वर के राज्य में बोना, टाइथ देना, ऑफरिंग देना, ये आपके रिलेशनशिप में से फ्लो करना चाहिए. आप परमेश्वर को ऐसे मत दीजिए जैसे लॉटरी खेलते हैं. ऐसे मत दीजिए जैसे आप जुआ खेलते हैं, जैसे लोग पोकर खेलते हैं. गिविंग इज नॉट लाइक दैट. गिविंग फ्लोज आउट ऑफ अ हार्ट फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड. गिविंग गोज टू गॉड एज एन अप्रिसिएशन, एज अ टोकन ऑफ योर थैंकफुलनेस टू हिम. हालेलुया. तो जब परमेश्वर के आप मित्र बनेंगे, तब आप अपनी सुखना जो मांगी है वो पूरी करने पाएंगे, सो करने पाएंगे. और 28 वचन में क्या लिखा है, 22 के 28 में, यू विल हैव इन्फ्लुएंस. परमेश्वर आपको प्रतिष्ठा देगा,
मान देगा, सम्मान देगा, परमेश्वर आपको यशस्वी बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आपको अपना नाम ऊंचा नहीं करना अपने आप, आपको अपनी प्रमोशन नहीं करनी है, आपको अपनी मशहूरी नहीं करनी है। हालेलुया, स्वयं यहोवा परमेश्वर ये काम करेगा। हालेलुया, और आपको 12वीं ब्लेसिंग क्या देगा यहोवा परमेश्वर, गॉड्स लाइट विल शाइन अपॉन यू, आपके चेहरे पे यहोवा का तेज चमकेगा, आप प्रकाशमान होंगे यहोवा के तेज से, यहोवा की कृपा से, यहोवा के नूर से ऊर्जावान होंगे आप, प्रकाशवान होंगे। ये ब्लेसिंग आपके जीवन पे आके, और 13 नंबर ब्लेसिंग क्या है, यू विल बी एबल टू हेल्प अदर मेन आउट ऑफ ट्रबल एंड डिस्पेयर। इसका अगर आप 29 वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 22:29, आप दूसरे लोगों की जो मुसीबत में पड़े हैं, संकट में हैं, निराशा की दलदल में हैं, आप उनकी सहायता करेंगे, आप उनकी फाइनेंशियली मदद करेंगे, आप उनको काउंसल देंगे, डिवाइन काउंसल, आपके द्वारा विजडम जो उनके पास जाएगी उसके द्वारा उनका उद्धार होगा, आप बुद्धि भरे ज्ञान भरी काउंसल देंगे उनको, और धन से भी उनकी सहायता करेंगे। हालेलुया, और 14वीं ब्लेसिंग क्या है, यू विल बी एबल टू सेव द हम्बल मैन इन टाइम ऑफ नीड, दीन व्यक्तियों को समय पे आप छुड़ा पाएंगे। और 15वीं ब्लेसिंग वर्स नंबर 30 में है, अय्यूब 22:30 में, यू विल बी एबल टू डिलीवर द इनोसेंट, और जो निर्दोष हैं उनको आप छुड़ाएंगे। जब यहोवा परमेश्वर के साथ आपका पीस है, जब यहोवा परमेश्वर के मुंह से निकला कलाम आपके दिल के अंदर आता है, जब आपने तिशुबा किया यहोवा की ओर लौटे हैं, जब आपने अपने दिल में यहोवा के कलाम को ट्रेजर किया है, और जब आपके अंदर से अंदरूनी पाप, अवान, द इनिक्विटी, द फॉलन परवर्ट नेचर हैज़ बीन अपरूटेड, हालेलुया, तो ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में फ्लो करेंगी। आपको मालूम परमेश्वर आपको ब्लेस करता है इसलिए ताकि आप ब्लेसिंग बने नेशंस के लिए, परमेश्वर आपको ब्लेस इसलिए करता है ताकि आप पृथ्वी की कौमों के लिए ब्लेसिंग बन जाएं। हमारे पुरखे इब्राहिम से हमारे पिता ने क्या कहा, आई विल मेक दी ब्लेसिंग फॉर द नेशंस ऑफ द अर्थ, इन यू शैल ऑल द नेशंस ऑफ द अर्थ बी ब्लेस्ड। आपके जीवन का इतना एक्सपेंशन करेगा परमेश्वर, आपके जीवन को इतना एक्सपेंड करेगा यहोवा परमेश्वर, आपके जीवन को इतना यश देगा, सम्मान देगा, हालेलुया, कि आपकी लाइफ इतनी एक्सपेंड होगी पूरे विश्व में फैलेगी, आपकी इन्फ्लुएंस से आपकी प्रतिष्ठा को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा आत्माओं को अपने राज्य में लाने के लिए, हालेलुया, और आपको फलवंत करेगा, आशीषित करेगा, ताकि आप पृथ्वी की कौमों कौमों को आशीष दे सकें। हालेलुया, भाई और बहनों, ये योम तिरुआ जो है तुरियों का पर्व है, प्रभु यीशु मसीह, और इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं फिर आपको बताऊंगा, आज हम प्रार्थना करेंगे। ये डार्कनेस का पर्व है, मतलब अमावस को मनाया जाता है, पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता है, अंधेरे का पर्व है। आपको मालूम क्यों, यीशु मसीह ने एक पैराबल दिया मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, यीशु मसीह एक शादी का जिक्र करते हैं कि 10 कुंवारियाँ हैं और वो दूल्हा से मिलने के लिए निकली हैं, और दूल्हा ने आने में विलंब कर दिया है और काली रात छा गई है, और 5 बुद्धिमान कुंवारियाँ हैं, 5 मूर्ख हैं, जो 5 बुद्धिमान हैं उनकी कुप्पियों में तेल है, ये तेल है परमेश्वर की हजूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी। भाई और बहनों, तेल से रोशनी पैदा होती है, जैतून के तेल से रोशनी पैदा होती है, ये रोशनी परमेश्वर का तेज है, आपको रोशनी चाहिए जीवन जीने के लिए, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे चलेगा वो रोशनी से भरा होगा, वो अंधकार में ठोकर नहीं खाएगा। लेकिन 5 मूर्ख कुंवारियाँ जो हैं उनके पास अब
रोशनी अंधियारे में बदल गई है। उन्होंने शुरू से ही किया है, रोशनी से शुरुआत की है, लेकिन कुप्पियों में तेल नहीं भरा है। अपनी कुप्पियों को तेल से लबालब भरना है। सुबह भी तेल भरना, मैंने आपको बताया था मनोरा में सुबह तेल भरा जाता था और शाम को तेल भरा जाता था, और उन्हें साफ किया जाता था, स्मज हटाई जाती थी, जो विक थी उसकी उन्हें ट्रिम किया जाता था। तो अपने आप को ट्रिम करना है, अपने देह को जांचना है सुबह शाम को, अपनी आत्मा को जांचना है, अपने प्राणों को जांचना है, और यीशु मसीह के लहू के नीचे आना है, हर अपराध पाप का अंगीकार करना है, सुबह शाम तेल भरना है। बिना तेल के आप नहीं जाओगे दूल्हा के संग, जब तक ज्योति नहीं होगी दूल्हा लेके नहीं जाएगा। दूल्हा कभी भी बुझे हुए चिराग वाली दुल्हन को नहीं लेगा, बेशक वो कुंवारी है। जिनके चिराग गुल हो गए थे वो भी कुंवारियाँ थीं, लेकिन दूल्हा ने लिया इसलिए नहीं क्योंकि रोशनी नहीं है उनमें। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि दुल्हन को जो वस्त्र दिए गए हैं प्रकाशित वाक्य में, उन वस्त्र में से रोशनी फूटती है, और मैंने आपको बताया था ग्रीक वर्ड है लैम्पोस। ऐसे वस्त्र हैं जैसे बल्ब जल रहे हैं, और वहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य में दिस लाइट इज द राइचसनेस ऑफ द सेंट्स। एक राइचसनेस है जो क्रूस से हमें मिली है, यह मसीह की राइचसनेस है। हालेलुया। उस राइचसनेस के बगैर हम स्वर्ग नहीं जा सकते। वो मसीह की सर्वांग सिद्ध राइचसनेस हमें दे दी गई, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। अब वो जो राइचसनेस मसीह की हमें मिली है, उस राइचसनेस के द्वारा हमने राइचस जीवन जीना है। आपको मालूम जो वेस्ट का प्रचार हुआ उसमें उन्होंने बहुत एम्फेसिस क्राइस्ट की इम्प्यूटेड राइचसनेस पे तो दिया कि हम राइचस बनाए गए, मसीह की राइचसनेस हमें दे दी गई। दिस इज पावरफुल ट्रूथ। लेकिन इस ट्रूथ की एक दूसरी साइड भी है कि जब हम मसीह में राइचस बना दिए गए, मसीह की राइचसनेस से भर दिए गए, अब हमें राइचस जीवन जीना है और राइचसनेस के काम करने हैं। और जो राइचसनेस का जीवन और जो राइचसनेस के काम हम करते हैं, उसके द्वारा हमारे लिए कपड़े तैयार हो रहे हैं। आपके वस्त्र में कितनी रोशनी होगी, ये जो देखिए मेरे घर में ये ड्रॉप लाइट लगी हैं, एक एक वॉट की हैं ये। अगर यहाँ पे 500-1000 वॉट की रोशनी लगा दूँ घर में तो आपकी आँखें चुंधिया जाएंगी। कुछ ऐसे विश्वासी होंगे जिनके वस्त्रों से कई मेगावाट की रोशनी निकलेगी, कुछ ऐसे विश्वासी होंगे जिनके वस्त्रों से किलोवाट की रोशनी निकलेगी, कुछ ऐसे विश्वासी होंगे जिनके वस्त्रों से 1000 वाट की रोशनी निकलेगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से 100 वाट की निकलेगी, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से 10 वाट की, कुछ ऐसे होंगे जिनमें से 0 वाट की रोशनी निकलेगी। ये डिपेंड करेगा आपकी राइचसनेस के कामों पे, जो मसीह की राइचसनेस के द्वारा धर्मी जीवन आपने जिया है। हालेलुया। द वे यू लिव्ड योर लाइफ। तो वचन में क्या लिखा है कि दूल्हा कब आता है, जब बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, मिडनाइट को, डार्केस्ट टाइम पे दूल्हा आता है। उस घड़ी को कोई नहीं जानता। और ये जो पर्व है तुरियों का पर्व जो आज मनाया जा रहा है, जिसे हम योम थिरुआ या रोश अशाना कहते हैं, इसकी खासियत क्या है? ये अंधेरे में शुरू होता है, किसी को मालूम नहीं इस घड़ी का। हाई प्रीस्ट देखते हैं ऐसे आसमान में कब चांद निकलेगा, इतना सा जैसे मेरा ये छोटा सा नाखून है ना, इतना सा चांद दिखता है। और ये फीस्ट ऑफ डार्कनेस है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि तुरियों के पर्व पे मसीह आएगा। क्यों? अब सुने ध्यान से। सबसे पहला पर्व कौन सा है? फसा का। फसा का पर्व, यीशु मसीह फसा का मेमना, फसा का पर्व पूरा हुआ। दूसरा पर्व है अखमीरी रोटी का। यीशु मसीह अखमीरी रोटी है, पाप से रहित देह है यीशु मसीह की, जो हमारे लिए तोड़ी गई हम खाते हैं। वो पर्व पूरा हुआ। तीसरा पर्व है पहले फल का। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठ के पिता के दाहिने हाथ बैठा, पहला फल बन गया, वो पर्व पूरा हो गया। उसके बाद वो 40 दिन 40 रात शिष्यों को दिखाई देता रहा। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। तो यीशु मसीह पहले फर्स्ट फ्रूट के, पहले फल के पर्व के बाद 40 दिन 40 रात चेलों को दिखाई देता रहा। 40 दिन + 10 दिन चेले प्रार्थना करते रहे, 40 और 10 50 दिन।
सात सबत जब पूरी होती हैं, किसके बाद? सेवन काउंटिंग द ओमर बोलते हैं इसको, सेवन सबत्स जब पूरे होते हैं, कब से? फर्स्ट फ्रूट से, पहले फल से, उसके बाद पेंटेकोस्ट का दिन आता है। तो क्या लिखा है प्रेरितों के काम दो अध्याय में? व्हेन द डे ऑफ पेंटेकोस्ट वाज फुली कम, पेंटेकोस्ट का दिन आया, पहला पर्व फसा का, दूसरा अखमीरी रोटी, तीसरा पर्व पहले फल का, चौथा पर्व कौन सा हो गया? पेंटेकोस्ट का। तो पेंटेकोस्ट के दिन कौन उतरा स्वर्ग से? होली स्पिरिट। कलीसिया का जन्म हुआ पेंटेकोस्ट के दिन। अब उसके बाद परमेश्वर के कैलेंडर में अगला पर्व कौन सा है? तुरियों का पर्व, तुरी फूकी जाएगी। वचन में लिखा है प्रधान दूत तुरी फूकेगा और ललकार के साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पे उतरेगा। हालेलुया, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट ट्रम्प टू साउंड। आपको मालूम वो ट्रम्प को हिब्रू में कहते ईल, ई ई एल, ईल पे स्टडी कीजिएगा। कुछ ज्यूइश लोग मानते हैं कि वो ईल 10,000 माइल्स लंबी है और उसे आर्कएंजल माइकल उठा के जब ब्लो करता है उसके अंदर, तो उसमें से जो साउंड निकलती है पूरे यूनिवर्स को रिवर्बरेट करती है। पृथ्वी ऐसे ऐसे कंपन करती है, आकाश मंडल कांपता है, सारे ऑटोम्स, ऑटोम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कांपते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मैटर बन के दफन कर दिए गए, राख खाक बन गए, या जला दिए गए, राख बन गए, या आकाश के परिंदे खा गए जिन्हें, या समुद्रों में जिनकी डेड बॉडीज गल गई, वो सारा मैटर वापस खींचेगी ईल की आवाज़। वो जो रेजोनेंस होगी उससे मुर्दे विनाशी दशा में जी उठेंगे और हम जो जीवित होंगे पलक झपकते। पलक झपकने के लिए आपको मालूम प्रेरित पलूस ने आज से लगभग 2000 साल पहले जो शब्द इस्तेमाल किया वो शब्द है ऑटोमस, जिसे विज्ञान ने 1940 के बाद ढूंढा है। ऑटोमस ऑटम, ऑटम को 19 सेंचुरी के बाद ढूंढा गया, लेकिन पॉल ने इसे पहले लिख दिया। हालेलुया, पवित्र आत्मा अपने सेवकों को क्वांटम फिजिसिस्ट से भी आगे ले जाता है। ऑटोमस, ऑटोमस जो वर्ड पॉल ने लिखा है, समय की एक ऐसी यूनिट जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता, एक सेकंड के हजार में हिस्से में ये सब काम हो जाएगा। हालेलुया, इस जगत को छोड़ के हम चले जाएंगे। तो दूल्हा कहता है भाइयों बहनों, व्हेन देयर इज एब्सोल्यूट डार्कनेस द किंग कम्स, द ब्राइड ग्रूम कम्स टू टेक हिज ब्राइड होम। तो अपनी तैयारी करें। ये जो आज से 10 डेज है ना अगले, इन्हें डेज ऑफ ऑ कहते हैं। इन 10 डेज में ज्यूइश लोग फास्ट करते हैं। दे बिलीव दैट गॉड ओपन्स अप द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल द कोर्ट्स इन हेवन ओपन अप एंड द बुक्स आर ओपन्ड इन हेवन। द बुक ऑफ एवरी नेशन, द बुक ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज ओपन, द बुक ऑफ एवरी सिटी इज ओपन, द बुक ऑफ एवरी चर्च इज ओपन, द बुक ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड इज ओपन, द बुक ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी बिलीवर इज ओपन एंड गॉड लुक्स इन टू द बुक्स ऑफ अ लाइफ एंड दीज 10 डेज आर वेरी वेरी क्रूशल। इफ पीपल रिपेंट एंड टर्न टू गॉड, जूज कॉल इट तशूबा, इफ दे डू तशूबा एंड टर्न टू गॉड, God pardons them, and if God had purposed in his mind to punish them, he changes his mind. He removes his anger because they repent and they turn to him. Hallelujah. So these 10 days are very, very crucial. Seek the face of the Lord in these 10 days. Hallelujah. फास्टिंग करें, उपवास करें, परमेश्वर के संग अपना रिलेशनशिप ठीक करें। जैसे मैंने अय्यूब 22 चैप्टर में से आपको बताया, मेक पीस विद गॉड। इफ यू डू नॉट हैव पीस विद हिम, इफ दे आर इश्यूज, इफ दे आर प्रॉब्लम्स, इफ दे आर सिंस, इफ दे आर थिंग्स दैट यू नीड टू एड्रेस, इफ देयर आर मैटर्स डीप डाउन इन योर हार्ट दैट आर अनरिजॉल्व्ड, और इफ यू हैव नॉट रिपेंटेड, इफ देयर आर सम डार्क things in your life, if there are spaces in your life where demons are sitting, turn those areas, those gray areas to God today. Hallelujah. And seek his face. और उसके चेहरे को खोजें। ये दिन आपके लिए बहुत बड़ी बरकतों का सबब बनेंगे। God will open the floodgates of heaven.
and he will pour out his blessing. These days are very, very crucial. तो आज जिन लोगों ने उपवास रखा है, काफ़ी लोगों ने उपवास रखा है हमारे साथ, और कई कंट्रीज़ में कई लोगों ने फास्ट रखा है. सो आई एनकरेज यू, टुमारो इफ़ यू कैन टेक अ फास्टिंग, डू दैट. डे आफ्टर टुमारो इफ़ यू कैन कंटिन्यू, डू दैट. सीक द फेस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के चेहरे को ढूंढें. हालेलुया. अर्ली मॉर्निंग हम फिर प्रार्थना करेंगे, रात में भी हम प्रार्थना करेंगे, ऑडियो सिर्फ प्रार्थना करेंगे. आप हमारे संग जुड़ सकते हैं, एक ऑडियो प्रेयर स्पेल करेंगे थोड़ी देर के बाद. यू कैन जॉइन अस एंड अर्ली मॉर्निंग विल डू अ प्रेयर स्पेल. यू कैन जॉइन अस. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे. हालेलुया. फादर आई प्रे फॉर ऑल दोज हु आर कनेक्टेड विया इंटरनेट. फादर आई प्रे दैट द एयर वेव्स थ्रू विच द मैसेज इज गोइंग टू द हार्ट्स ऑफ दीज पीपल, मे दिस मैसेज रजिस्टर इन देयर हार्ट्स लॉर्ड. मे योर पीपल capture the words that flow from your lips, the very Rhema word of God. I pray for each person, Vinodini Christian, Meenu Sood, Hardeep Singh, Sabi Surjeet, Rakesh Kumar and his family, Jaswinder Singh Surinder, Davinder Kular and her family. Lord, I pray for Angela Droch. I pray, Lord, for Banti Shinde. I pray for Jaswinder Surinder. I pray for Hardeep Singh. I pray for Dorothy Thapa, Lord. I pray for Vinod Christian from Canada. I pray for Sonia Nair, Lord. I pray for Harjinder Pal. I pray, Lord God, for Brother Raman Khan. I pray for Hardeep Singh. Lord, I pray for Sonu Chamba. And all his prayer requests, he's also fasting, I bring before you. Pray for Sabi Surjeet and his household. I pray for Sunita Kaur from Britain. I pray for Hardeep Singh, Lord. Lord God, I pray for Gurdeep Singh, Gurpreet Singh, Lord, that your hand be upon him. I pray for Rosie Singh, Lord, for your mighty hand. I pray for Sunita Guria Kansuwar. She too is fasting with us, Lord. Pour out your blessing. Pour out your blessing, Lord, over folks who are fasting. I pray for Manohar Lal from Delhi. May your hand be over Manohar Lal's life and his family. I pray for Amrish Kumar, Lord. Bless him. Pour out your blessing. Hallelujah. And your favor, Lord. Pray for Vanita Chopra from Australia. May your hand be upon her and her household, Lord. I pray for Bahadur Singh Akash, Lord. I bless in Jesus' name. I bless Rosie Singh, Lord. Lord, I bless others who are online that I don't see. I bring them before you. Tere khoon mein ek ek ko main chhipata hoon, Khudawan. Hallelujah. Tera naam uncha ho. Lord, we bless you. We give you praise. Hallelujah. Tere naam ko uncha karte hain. Khudawan, prarthana mein, वचन मनन में, उपवासों में पवित्र जीवन जीने की भूख पैदा कर. भूख पैदा कर टू लिव अ राइचियस एंड होली लाइफ. लॉर्ड, मेक पीपल हंगरी. हंगरी लॉर्ड टू परसू योर होलीनेस, टू रन आफ्टर यू, टू सीक योर प्रेजेंस. मेक पीपल हंगरी. मेक पीपल डेस्परेट फॉर योर राइचियसनेस. योर वर्ड सेज, आपको मालूम परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर का कलाम कहता है राइचियसनेस, जॉय एंड पीस इन द होली गोस्ट. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइटियसनेस, मूविंग राइटली बिफोर गॉड, वॉकिंग राइटली बिफोर गॉड. सबसे पहले मसीह की राइटियसनेस में ढप जाना, फिर राइटियस जीवन जीना. जब आप राइटियस लाइफ जिएंगे, सुने ध्यान से, राइटियसनेस, राइटियसनेस क्या पैदा करेगी? राइटियसनेस जॉय, एक जॉय पैदा करेगी आपके अंदर. आपके अंदर बबलिंग होगी. आपके अंदर न्यू लाइफ बबल करेगी. जैसे फाउंटेन बबल करता है, ऐसे उमड़ेगा आपके अंदर आनंद परमेश्वर का. जब आप धर्मी जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन प्रभु के लिए जिएंगे, उमड़ेगा आनंद आपके अंदर से. और ये राइचियसनेस पैदा करेगी. राइचियसनेस से पैदा होगा क्या? पैदा होगा द जॉय ऑफ द लॉर्ड. दैट इज योर स्ट्रेंथ. बबलिंग जॉय विल इमर्ज वेन यू लिव अ राइचियस लाइफ. और राइचियसनेस जॉय एंड पीस और शालोम पैदा होगा. बहुत सारे लोगों को शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उनका जीवन धर्मी नहीं है प्रभु के साथ. दे डू नॉट वॉक इन राइचियसनेस, दे डू नॉट वॉक इन प्योरिटी, दे डू नॉट वॉक इन होलीनेस. सो राइचियसनेस क्या पैदा करेगा? जॉय एंड पीस. और क्या लिखता है प्रेरित पौलुस कुरिन्थियंस में? सुने ध्यान से, प्रेरित पौलुस कहता है राइचियसनेस जॉय एंड पीस इन द होली स्पिरिट. That is the kingdom of God. क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य righteousness है. Kingdom and righteousness, दो बातें यीशु मसीह बताते हैं. ढूंढे इन्हें,
किंग को ढूंढना है किंगडम में, और किंग की राइचसनेस को ढूंढना है, और अपने जीवन को राइचस बनाना है। आप जो भी करें दिल में राइचसनेस में करें, हर डिसीजन राइचसनेस में लें, हर थॉट इधर राइचसनेस में हो, हर एक्शन आप बिजनेस करते हैं राइचसनेस में कीजिए, आप जॉब करते हैं राइचसनेस में कीजिए, आप कोई और कारोबार करते हैं राइचसनेस में कीजिए, अपने जीवन के हर पहलू को राइचसनेस में चलाइए, तो आप किंगडम में बने रहेंगे, किंग का चेहरा आपके ऊपर सदैव चमकता रहेगा, राजा का चेहरा चमकता रहेगा। हालेलुया। खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूँ सारा सारा के लिए, तेरा खून छिड़कता हूँ इसके ऊपर। लॉर्ड, आई प्रे फॉर पूनम गिल, आई प्रे लॉर्ड दैट हर टीथ विल फॉल इनटू द राइट सॉकेट, दैट हर लिप्स विल बी अलाइंड प्रॉपरली, that there wouldn't be any tilt because of the teeth. Lord, put her jaw, the whole jaw bone and everything in proper leveling and symmetry, Lord. I plead your blood over her. Hallelujah. Lord, thank you. Bless her Jeet Singh. Bless her Jinder Pal, Lord. I bring all of them before your throne of grace and mercy. Tere khoon mein in sabko main chhipata hoon. Tera naam uncha ho. Yeshu Masih, tere jalali naam mein is prarthana ko main mangta hoon. हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम फिर प्रार्थना करेंगे, ऑडियो पे हम जुड़ेंगे, आप जुड़ जाइएगा। टुमारो अर्ली मॉर्निंग प्रे विद अस। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।